हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रीमिक्स में। प्रीमिक्स का ये हमारा 46 सेशन है 2019 का, और पांच सवाल आप सभी पर। दो सवाल है हमारे पास एनपीए पर, एक सवाल आपको पूछा जाएगा विटामिन्स पर, एक इंटरपोल पे क्वेश्चन है, और एक है क्वेश्चन ऑन UIDAI जो कि हमारी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये पांच तस्वीरें ढूंढ के लाए आपके लिए बहुत खास। चलो फिर तस्वीरों से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, थोड़े से मुश्किल भी हो सकते हैं आप सभी के लिए तो जानने के लिए, लेकिन हमने पूरा सेशन करते हैं ये, एंड जानने के लिए हम करते हैं बहुत सारी और भी चीज़ें अपार्ट फ्रॉम आर जीएस कोर्सेज जो बिल्कुल फ्री चल रहे हैं। पूरा का पूरा जीएस कवर्ड है फ्री। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी जारी है, एंड प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज में आप विद वीडियो सॉल्यूशंस भी चीज़ें समझ सकते हैं, एंड मैम उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाकर आपको चीज़ें समझाने की ट्राई करते हैं। जितना सॉल्यूशन में दिया उससे एक्स्ट्रा देने की, प्रोवाइड करने की ट्राई करते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी मेंस एंड जो स्टेट लेवल के हमारे पास और भी कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप सभी जाके courses.sleepyclasses.com पर देख सकते हैं, औरों को भी बता सकते हैं फ्री जीएस देने का जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट चलाया। प्लीज लेट अस स्प्रेड इट। ओके चलिए अब शुरू करते हैं। पहला सवाल, आपको पता है एनपीए बहुत ही ज़्यादा अगेन न्यूज़ में आ चुके हैं। रघुराम राजन जी की जो एक पार्लियामेंट्री अफेयर्स जो कमेटी थी, वहाँ पर उनको जो उन्होंने एक सुनवाई हुई उसको जो अभी टेक्स्ट पब्लिक हुआ है, तो उसके कारण एनपीए अगेन न्यूज़ में है। तो आपने बताना है कि इसमें से कौन से लोन्स या एडवांसेज एनपीए क्लासिफाई हो जाएंगे। आपको ऑप्शन मिलेंगे यहाँ पर। पहला, जहाँ पर इंटरेस्ट या इंस्टॉलमेंट जो कि चाहे इंटरेस्ट या फिर इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल की ओवरड्यू हो जाए 90 दिन एंड उससे ज़्यादा। देन जहाँ पे अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर रहे, ठीक है, 180 दिन से ज़्यादा, एंड किस केस में, ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट, ODCC बोलते हैं इसको बैंकिंग टर्म में, या फिर जहाँ पर कोई ऐसे कोई जो पेमेंट ड्यू थी बिल वगैरह वो ड्यू था 45 दिन से ज़्यादा, जो कि बिल परचेज्ड एंड डिस्काउंटेड, बिल डिस्काउंटेड होते हैं जो, तो इनके केस में 45 डेज। एंड उसके बाद अगर एग्रीकल्चर से जुड़े हुए कुछ पर्पसेस के साथ जुड़े हुए कोई अगर लोन्स हैं तो 2 हार्वेस्ट सीजन या फिर 2 साल, ठीक है। एंड उसके बाद अगर कोई इसके अलावा कोई और अदर अकाउंट 360 दिन से ज़्यादा हो जाए तो उसको एनपीए कहा जाएगा। क्या ये सभी क्लासिफिकेशन यहाँ पर करेक्टली मैच्ड हैं? ठीक है दोस्तों, आपने बताना है कौन सी करेक्टली मैच्ड हैं, 1, 1, 2, 1, 2, 3 या सभी के सभी यहाँ पर करेक्टली मैच्ड है 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है दोस्तों, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। एंड इसका करेक्ट आंसर इज सिर्फ 1, बाकी सभी में 180 दिन, 45, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर 360। सभी जगह जो RBI ने इंटरनेशनल प्रैक्टिस फॉलो करते हुए 90 डेज बना दिया। एंड हमारा एक बहुत ही बड़ा एक लेक्चर भी है, हमारा NPA स्पेशल, सर्च कीजिएगा NPA स्पेशल पर, सब कुछ आपको समझाने की ट्राई की है। ना सिर्फ NPA क्या होते हैं बल्कि NPAs को रिजॉल्व करने के लिए जो स्टेप उठाए गए सरकार द्वारा या फिर RBI द्वारा, वो सभी के सभी स्टेप्स के बारे में बात भी की गई है। एंड उसके अलावा और जो एग्रीकल्चर में जुड़ी हुई जो चीज़ें होती हैं, 2 हार्वेस्ट सीजन या फिर 2 हाफ ईयर्स, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। एंड ये जो पर्टिकुलर 90 डेज का इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस वाला जो है वो सभी जगह जो बिल्कुल यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल है, 45, 360 ऐसा कुछ नहीं दिखता कहीं। RBI की जाके वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, वहीं से ही हमने इसको क्वेश्चन को फॉर्मुलेट किया एग्जैक्ट फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ। ओके, अगला क्वेश्चन भी अगेन जैसे आपको पता है तस्वीर के हिसाब से आपने बताना है, एनपीए का ही सवाल है कि करेक्टली मैच बताने हैं। तीन तरह के एसेट होते हैं आपके पास। पहला है डाउटफुल। डाउटफुल एसेट वो है जिसमें जो एनपीए बना हुआ है लेस देन और इक्वल टू 18 महीने, ठीक है, अभी जिसमें 18 महीने अभी नहीं हुए या उससे कम महीने हुए हैं डाउटफुल एसेट कहलाता है। सब स्टैंडर्ड एसेट वो है जहां पर 18 महीने क्रॉस हो गए हैं। एंड लॉस एसेट वो है जो कि आइडेंटिफाई किया गया बैंक द्वारा या कोई इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिटर या फिर RBI द्वारा, जहां पर अभी अमाउंट वापस नहीं आई, ठीक है, लॉस बन चुकी है लेकिन अभी रिटर्न ऑफ नहीं है। रिटर्न ऑफ मतलब बुक से हटाया नहीं गया, ठीक है। तो आपने बताना है करेक्टली मैच्ड कौन से हैं यहां पर, 1 only 2 only 3 only या सभी के सभी करेक्टली मैच्ड हैं यहां पर। ऐसे ऐसे सवालों में जब आप गलतियां करते हो तभी ही आप सीखना शुरू करते हो, तभी आप उस पर गूगल करोगे, रिसर्च करोगे और पढ़ोगे। एंड और पढ़ाना ही आपको हमारा सिर्फ एक छोटा सा एक पर्पज है, जितना जितना गूगल करोगे उतना फायदे में रहोगे, ठीक है दोस्तों। एंड इसका करेक्ट आंसर इज सिर्फ 3, ये डाउटफुल एसेट ये एंड जो सब स्टैंडर्ड एसेट, ये एक्सचेंज कर दिए ऑप्शंस, 18 महीने या उससे कम उस सब स्टैंडर्ड एसेट कहलाता है, 18 महीने और उसके ऊपर वाला डाउटफुल एसेट कहलाता है, ठीक है। तो ये बात भूलनी नहीं है, तो यहाँ पर आपके लिए लगा के रख दिया। तो आप इसको टेलीग्राम हमारे ग्रुप पे PDF को अवेल कर सकते हैं। वैसे हमारी जो वेबसाइट है courses.sleepyclasses.com
वहां पर भी आप जाके प्रीमिक्स जो 2019 का चल रहा है वहां पर भी सारे के सारे पीडीएफ अब अटैच हो चुके हैं, आप वहां से भी इसको जो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ओके अगला सवाल आपके पास ये है, विटामिन बी 12 हिंदू में न्यूज थी, आपको पता होना चाहिए हिंदू में न्यूज दिखे तो अटैक कीजिए गूगल पर, गूगल पर जाके सब कुछ फटाफट पढ़ लीजिए उस न्यूज के बारे में। ठीक है, आपने बताना है विटामिन बी 12 के कॉन्टेक्स्ट में कौन सी बातें यहाँ ट्रू हैं। पहली, इसका नाम कोबालामिन है। ठीक है, क्या ये बात सही है, कोबालामिन इज इट करेक्ट। दूसरा, ये वाटर सॉल्युबल विटामिन नहीं है। आपने बताना है कौन सी इसमें से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। एंड इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बताइए, दोनों ही सही है कि नहीं, एक भी सही नहीं है। इसका करेक्ट आंसर इज वन ओनली, क्योंकि बिकॉज इट इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन, एक्सेस हो जाता है अगर बॉडी में तो पानी में घुलकर बाहर निकल आता है, इसीलिए कोई डरने की बात नहीं होती। एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स विटामिन्स में से एक है बी 12, एंड कोबाल्ट के आयन के आसपास ही बनाया जाता बनता है ये पूरा का पूरा जो विटामिन का स्ट्रक्चर, तो इसको कोबालामिन ही कहा गया। इसके बारे में गूगल कीजिए और कहाँ सोर्सेज हैं, कहाँ से मिलता है बॉडी में, तो इसके बारे में जानिए कि ओवरऑल कौन बैक्टीरिया कहाँ बनाते हैं हमारी बॉडी में, इसको कोबालामिन बना रहे हैं बैक्टीरिया, यूज कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, सब पढ़िए। ठीक है, तो ये जरूरी है जानना, यूपीएससी बहुत पेचीदा सवाल भी पूछता है इस पर अपने बायोलॉजी पर। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, आपने बताना है करेक्टली मैच क्या है। इंटरपोल न्यूज में आपको पता है मेहुल चौकसी है ना, नीरव मोदी, इंटरपोल के नोटिसेस बार बार जा रहे हैं, तो ये ही आपसे पूछे हैं तीन तरह के नोटिस यहाँ पर। रेड नोटिस जो कि क्या पूछता है आपसे कि लोकेशन पूछता है कि जैसे जहां पर जिस कंट्री में रेड नोटिस जारी किया जाता है, जैसे अभी इंडिया ने मान लो एंटीगुआ को रेड नोटिस इशू करवाया इंटरपोल के थ्रू, कि तो उसमें लोकेशन और अरेस्ट का वारंट भी इशू हो जाएगा, क्योंकि एक्स्ट्राडिट करना मतलब उनको उठाकर जो ऑफेंडर है उसको वापस अपनी कंट्री लेकर आना है एक्स्ट्राडिशन के लिए। दूसरा, येलो नोटिस, अगर ऐसी कोई चीज होती है तो ये मिसिंग पर्संस को लोकेट करने के लिए, माइनर्स वगैरह को आइडेंटिफाई वगैरह करने के लिए जो खुद को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते उसके लिए येलो नोटिस इशू होता है इंटरपोल द्वारा। एंड तीसरा, ब्लू नोटिस, ये है एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए, किसके लिए, एक किसी इंसान की आइडेंटिटी, लोकेशन और एक्टिविटीज इन रिलेशन टू अ क्राइम। तो आपने बताना है इसमें से करेक्टली मैच्ड कौन से हैं। ठीक है, और भी तरह के नोटिस वहां पर जाके देख सकते हैं हम, ऑरेंज नोटिस, ग्रीन नोटिस, क्या जो ये होते हैं आपने, लेकिन इनको जान लीजिएगा। इंटरपोल बहुत ज्यादा न्यूज में है अगेन, क्योंकि बहुत ज्यादा सीबीआई हरकत में भी है और जो ये पूरा प्रोसेस को वापस चाहते हैं बहुत सारे ऑफेंडर्स को वापस लाना। तो वन या फिर टू थ्री या सभी के सभी करेक्ट या कोई भी करेक्टली मैच्ड यहां नहीं है। तो यहां पे आपको पर्पस क्या है, हमने अपने करंट अफेयर्स की जो सीरीज चल रही है प्रीलिम्स की उसमें भी आपको जो इंटरपोल के बारे में बताया, हेडक्वार्टर्स वगैरह कहाँ पर है, लेकिन आपका जो यू वर रिक्वायर्ड टू स्टडी मोर अबाउट इट, ताकि ये सवाल यहाँ पर आपको दिखता है तो आपका करेक्ट होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर इज सभी के सभी यहाँ करेक्ट हैं। तो ये तो करेक्ट है ही है, इसके सिवा मैंने आपको अगेन बता रहा हूँ और भी तरह के नोटिसेज हैं, उनको जाके एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, एंड आज के इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन्ड के पेज में आपको दो टर्म्स और मिलेंगी, वो है डिफ्यूजन नोटिस, कि एक डिफ्यूजन नोटिस नामक चीज भी कोई है। डिफ्यूजन नोटिस क्या होता है एंड ये कैसे रेड कॉर्नर, पहले रेड कॉर्नर कहा जाता था अब रेड नोटिस कहते हैं, रेड नोटिस से डिफरेंस कहां पे, इसका कैसे है, क्या ये मैंडेटरी है कंट्री को फॉलो करना, ये सब जानिए वहां जाके, एक्सप्लेन्ड में है आज के इंडियन एक्सप्रेस में 12 सितंबर। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इट इज अबाउट यूआई, जो DAI हमारा है, यूनिक आइडेंटिटी आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आधार आपको पता है इशू करते हैं ये। पहली इसकी ऑप्शन, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आपने बताना है करेक्ट, क्या ये बात सही है कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर ये सिर्फ स्टैचुटरी बॉडी है। देन तीसरी ऑप्शन, किस ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनाई गई, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल है, स्टैचुटरी भी नहीं है, मतलब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनाई गई या फिर ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से बनाई गई, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है, कि क्या ये स्टैचुटरी या कॉन्स्टिट्यूशन तक पहुंच चुकी है या फिर उसके बिना ही एग्जिस्ट कर रही है बॉडी अभी। एंड इसका करेक्ट आंसर इज स्टैचुटरी बॉडी, एक्ट पास हुआ था 2016 में, उसके बाद स्टैचुटरी बन गई थी, उसके पहले स्टैचुटरी नहीं थी। तो अभी हम देखें तो 2016 में टारगेटेड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडीज बेनिफिट्स एंड सर्विसेज एक्ट, जिसको आधार एक्ट भी कहा जाता है, एंड कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है ये, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, याद रखिएगा। इसके पहले कहां थी ये, प्लानिंग कमीशन, जो कि नीति आयोग बन गया था, उसके अंडर एक अटैच्ड ऑफिस था, जब ये स्टैचुटरी अथॉरिटी बनी तो ये किसके, इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्री के अंदर चली गई। ठीक है दोस्तों, तो जज्बा, जोश सब बरकरार रखिए एंड प्रोटोन बनिए, प्रोटोन क्यों, क्योंकि वो है पॉजिटिव हमेशा। ठीक है दोस्तों,
तो प्रोटोन बनकर जिंदगी जीना ही सबसे अच्छी मजेदार जिंदगी है कि कोई मुसीबत आए, कुछ भी अच्छा रिजल्ट आए ना आए, बस पॉजिटिव रहिए एंड सॉल्यूशन ढूंढिए कैसे इसके बाहर निकल सकते हैं। टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आ रहे तो कैसे और क्या काम करना है, गूगल करते हैं, थोड़ा और पढ़ाई करते हैं, किसी से एडवाइस लेने की ट्राई करते हैं, उस पर अमल करते हैं। तो यही सब चीजें हैं, पॉजिटिव रहिए, होप बनाए रखिए, क्योंकि देर सवेर तो आप अच्छा करेंगे ही अगर आप मेहनती हैं तो। ठीक है, मेहनत करना बहुत जरूरी है, उसके बाद चीजें ऑटोमेटिकली होती चली जाती हैं, देर सवेर हो जाती है, ठीक है, लेकिन हो जाती हैं। तो इसलिए मेहनत करने से कभी नहीं कतराना, मेहनत करोगे तो बहुत ज्यादा कामयाबी पक्का ही पक्का मिलेगी। अभी तक मेरे को ऐसा कोई इंसान नहीं जानता बहुत मेहनत की हो और कामयाबी ना मिली हो। ठीक है दोस्तों, चलो मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में प्रीमिक्स के, तब तक के लिए मेहनत जारी, अखबार जो कंटिन्यूड एंड गूगल पर सब पढ़ो आप भारी। ऑल राइट दोस्तों, बाय बाय।